हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं रिहाना आप सभी का JR MCQ में स्वागत करती हूँ। आज हम MCQ करेंगे पर्यावरण वाला भाग। पर्यावरण से 30 प्रश्न 30 अंक के लिए पूछा जाता है। आज हम पर्यावरण अध्ययन से 15 IMP क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है ये, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। ए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। इसकी स्थापना सन 1935 में की गई थी। सन 1947 में इसका नाम राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया तथा 1957 में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न ये रहा, रिक्टर पैमाने से खाली स्थान की तीव्रता मापी जाती है। ए ज्वालामुखी, बी भूकंप, सी सुनामी, डी चक्रवात। इसका सही आंसर होगा बी भूकंप। रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इस पैमाने में 1 से 9 तक की संख्याएं होती है। इसमें अंकित प्रत्येक संख्या अपनी पहली वाली संख्या के 10 गुना परिणाम को बताती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ए नवंबर के प्रथम सप्ताह में, बी अगस्त के प्रथम सप्ताह में, सी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, डी जुलाई के प्रथम सप्ताह में। इसका सही आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर होगा सी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। 1 से 7 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। ए एस्कॉर्बिक अम्ल, बी कैल्सिफेरॉल, सी थायरोक्सिन, डी थायमिन। इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर होगा डी थायमिन। चावल को पॉलिश करने पर विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न ये रहा, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। ए जड़, बी तना, सी फूल, डी फल। इसका सही आंसर होगा सी फूल। लौंग एवं केसर पौधे के फूल से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के R हैं। 3 प्रकार के R हैं, वो कौन है ये बताना है। ए कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण। बी पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण। सी कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। डी कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना। इसका सही आंसर होगा सी कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। पर्यावरण को बचाने के लिए सन 1992 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक नीतिगत बयान की घोषणा की थी, जिसमें कचरे में कमी लाने, पुनः चक्रण तथा पुनः उपयोग पर बल दिया गया है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है। ए नाभिकीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी पेट्रोल, डी डीजल। आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर होगा बी सौर ऊर्जा। इसका सही आंसर होगा बी सौर ऊर्जा। ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत सौर ऊर्जा है। इससे वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न
ये रहा। पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है ए ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, बी समुद्र में ज्वार भाटा आना, सी घने जंगलों से वायुमंडल में गैस उत्सर्जन, डी पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि। इसके सही आंसर होगा ए ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। पृथ्वी का उष्मायन अर्थात पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना होता है। इसका प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन जैसी गैसें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है ए स्थान ज्ञात करने में, बी वस्तु की आयु ज्ञात करने में, सी लिपि को पहचानने में, डी वस्तु की पहचान करने में। हमारा सही आंसर होगा बी वस्तु की आयु ज्ञात करने में। वस्तु की आयु ज्ञात करने में कार्बन डेटिंग विधि से किसी वस्तु की आयु ज्ञात की जाती है। इस विधि से यह पता लगाया जाता है कि वह वस्तु कितनी पुरानी या कितनी प्राचीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दसवां प्रश्न ये रहा, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित क्षरण होना कहलाता है ए ड्राई डिपोजिशन, बी स्टोन लेप्रोसी, सी एरोसॉल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी स्टोन लेप्रोसी। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों के क्षरण को स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है। अम्ल वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ऑक्साइड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ग्यारहवा प्रश्न ये रहा, स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य है ए स्वास्थ्य सुरक्षा, बी गंगा की स्वच्छता, सी नदियों को जोड़ना, डी मंदिरों का जीर्णोद्धार। हमारा सही आंसर होगा बी गंगा की स्वच्छता। उत्तराखंड में चलाए जा रहे स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य गंगा की स्वच्छता को बनाए रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर के प्रश्न में। 12वें नंबर का प्रश्न है, मीना माटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है ए समुद्र में बिखरे तेल का, बी वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, सी औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, डी मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। मिनी माटा रोग प्रदूषण किससे होता है? इसका सही आंसर होगा सी औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। मिना माटा रोग शरीर में पारे की अधिकता से होता है। यह पारा औद्योगिक अपशिष्ट को पानी में छोड़ने से फैलता है। ऐसे प्रदूषित जल के सेवन से यह रोग तेजी से फैलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 13 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है ए IUCN, बी UNICEF यूनिसेफ, सी IUPAC, डी WHO। इसका सही आंसर होगा ए IUCN। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए संस्था कार्य करती है। इसकी स्थापना सन 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई ए केरल, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा डी महाराष्ट्र। सन 1972 में सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य में पानी पंचायत की शुरुआत हुई। इस पंचायत के माध्यम से पानी के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? ए अवरक्त किरणें, बी एक्स किरणें, सी पराबैंगनी किरणें, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर होगा सी पराबैंगनी किरणें। सम ताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है। इन 15 क्वेश्चंस में से आपका कितना सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।